Hello friends, welcome to our channel SSC JLBDK. Today I am going to discuss on historical newspapers and journals. In this topic, maximum times questions are come in various types of competitive examination, especially railway and SSC. And start now. Bengal Gazette किसने लिखा था, किसने पब्लिश कर रहा था? बेंगल गैजेट पब्लिश कर रहे थे जेके हिक्की वो बेंगल गैजेट पब्लिश कर रहे थे। ये पब्लिश हो रहा था 1780 में। ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फास्ट न्यूज़पेपर था बेंगल गैजेट, जिसका पब्लिशर थे जेके हिक्की। ओके, उसके बाद है केसरी का पब्लिशर थे कौन थे? वो थे बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे केसरी का एडिटर थे, और वो भी और एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे, उसका नाम था मराठा। देखिए, वो दोनों न्यूज़पेपर का एडिटर थे, बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक। ओके, उसके बाद आए सुधारक का एडिटर थे जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। वो पब्लिश कर रहे थे सुधारक का एडिटर थे जी के गोखले। वो महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी थे। इस पर भी सवाल आते हैं, महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? वो थे जीके गोखले। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका, इसका जो पब्लिशर थे, एडिटर थे शिशिर कुमार घोष। ओके, अमृत बाजार पत्रिका, ये इसका जो एडिटर थे वो थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। उसके बाद है वंदे मातरम का एडिटर कौन थे? इस न्यूज़पेपर को कौन पब्लिश कर रहा था? वो कर रहे थे मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर अरविंदो घोष। अरविंदो घोष थे वंदे मातरम का पब्लिशर। उसके बाद आया नेटिव ओपिनियन का पब्लिशर थे वी एन मंडलिक। वी एन मंडलिक थे उसका पब्लिशर।
उसके बाद है कवि बच्चन सुधा। कवि बच्चन सुधा इसका जो पब्लिशर थे वो थे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि बच्चन सुधा का पब्लिशर थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा का एडिटर या पब्लिशर थे। देखिए ये जो जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर सर था ये किस लिए था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाने के लिए मदद कर रहा था ये सारे न्यूज़पेपर्स। उसके बाद है राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार जो है इसका जो पब्लिशर या एडिटर थे वो थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी नारोजी दादा भाई नारोजी जो थे वो थे राष्ट्र गुप्तार का पब्लिशर। देखिए दादा भाई नारोजी को का निकनेम क्या है, निकनेम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद न्यू इंडिया। न्यू इंडिया इसका जो पब्लिशर थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों को क्या कहा जाता था उस समय मॉडर्न हिस्ट्री में, उनको कहा जाता था लाल बाल पाल। ये तीनों को मिला के कहते थे लाल बाल पाल। उसके बाद स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का पब्लिशर कौन थे, स्टेट्समैन का थे रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट रॉबर्ट नाइट थे स्टेट्समैन का पब्लिशर। उसके बाद है हिंदू। हिंदू का पब्लिशर कौन थे, हिंदू का पब्लिशर थे राघवाचार्य एंड GSIR। राघवाचार्य एंड GSIR ये दोनों मिला के पब्लिश कर रहे थे हिंदू। उसके बाद है संध्या। संध्या जो पब्लिश हो रहा था उसका जो पब्लिशर थे बी उपाध्याय। बी उपाध्याय। बी उपाध्याय पब्लिश कर रहे थे क्या, संध्या। उसके बाद है विचारा लहिरी। विचार लहिरी इसका जो पब्लिशर थे कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर। कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर।